हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी, आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करें। दोस्तों, हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इनकम टैक्स की फ़ाइल रिटर्न करते हैं, तभी आपके IT फाइल में जब भी आप फाइल कर रहे हो तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी होता है। जब भी आप प्रोविडेंट फंड PF का विड्रॉल प्रोसेस करते हैं, तब भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तब आपको वन टाइम पासवर्ड आता है, तभी वो क्लेम सक्सेसफुली प्रोसेस होता है। इसी के साथ जब भी आप ऑनलाइन लोन भी क्लेम कर रहे हो, तभी भी आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो EKYC जब भी करते तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे OTP आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ कई जगहों पे जैसे गवर्नमेंट फॉर्म से या गवर्नमेंट कोई भी आप फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कर रहे हैं, तभी भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वो EKYC विथ हेल्प ऑफ आधार कार्ड से ही करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारी जगह में जब भी आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपका जब मोबाइल नंबर से OTP जो वेरीफाई करते हैं तभी वो प्रोसेस होता है। दोस्तों, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना है तो उसके लिए एक ही प्रोसेस है, आपको डायरेक्टली आधार कार्ड एनरोलमेंट सेंटर में ही जाके आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। लेकिन उस एनरोलमेंट सेंटर में अपनी जो अपॉइंटमेंट बुक करना है वो एक आप तो डायरेक्टली ऑफलाइन जाके आप कतार में खड़े होकर आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन प्रोसेस करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपने एनरोलमेंट सेंटर में जाके अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ऑनलाइन में कोई भी बहुत सारे यूट्यूब पे जैसे वीडियोस होते हैं कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें 2 मिनट में, वो सब फर्जी वीडियो होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई प्रोसेस ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जाए। आपको डायरेक्टली मैनुअली जाके एनरोलमेंट सेंटर में आपके बायोमेट्रिक्स देकर ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना होता है। तो दोस्तों, चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखा दूं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप आधार कार्ड एनरोलमेंट सेंटर के लिए कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम देखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन आधार अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, कि हमें अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है, मोबाइल नंबर जैसे और कुछ भी, तो हम कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेना होगा। तो आपको गूगल क्रोम में आधार कार्ड ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ये आपको टाइप करना होगा। टाइप करने सर्च करते हैं तो जो भी पहली लिंक ओपन होती है बुक एन अपॉइंटमेंट, इस लिंक को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको एक UIDA की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको बुक एन अपॉइंटमेंट शो करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट शो कर रहा है, आपके आधार कार्ड में अपडेट या न्यू आधार कार्ड के लिए यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड सेंटर 2 टाइप के होते हैं, एक आधार कार्ड सेंटर जो UIDA की तरफ से चलाया जाता है, और दूसरा आधार कार्ड जो सेंटर होते हैं वो रजिस्ट्रार मतलब बैंक के तरफ से और पोस्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से आधार सेंटर चलाए जाते हैं। दोस्तों, हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं जो आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर। तो दोस्तों, हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फ्रेश आधार बनाने के लिए, नेम अपडेट करने के लिए, एड्रेस अपडेट करने के लिए, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए, जेंडर अपडेट, बायोमेट्रिक्स अपडेट मतलब फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और आयरिस जाकर आप अपडेट एनरोलमेंट सेंटर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे एरिया में तो जो UDI रन कर रही है वो आधार सेवा केंद्र नहीं है, तो हम बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्टर रन आधार सेवा केंद्र में जाकर आप कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यू विंडो में आपको शो करेगा इंडियन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो दोस्तों, इंडियन रेसिडेंट है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, और नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो ओनली ईमेल आईडी से ही लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इंडियन रेसिडेंसी है तो हमें अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना लॉगिन करना होगा जो आधार एनरोलमेंट बुकिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटर योर मोबाइल नंबर इस सेक्शन में जाके अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालते हैं तो उसके बाद आपको सेम कैप्चा आपको टाइप करना होगा। इंटर द अबाउ कैप्चा ये ऑप्शन का जो कॉलम है इसमें आपको जो कैप्चा ऊपर दिख रहा है वो एज इट इज़ कैप्चा यहाँ पर डालना होगा। कैप्चा आप जैसे ही डालते हैं तो आपको सेंड OTP इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, और उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का OTP आएगा।
जो आपके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड आया है वो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी इंटर ओटीपी इस कॉलम में डालकर आपको सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। सबमिट ओटीपी प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर एक नोट दिखाया जाएगा कि ऑल योर एप्लीकेशन डिटेल्स विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ओनली आपकी 6 महीने तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें दो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, न्यू इनरोलमेंट और अपडेट आधार। तो दोस्तों हमें न्यू इनरोलमेंट करना है तो यही अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकते हो इसी के साथ, लेकिन हमें हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो हमें अपडेट आधार इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करते ही नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपका नाम और आपका आधार नंबर डालना होगा। चलिए दोस्तों तो हम पहले अपना नाम डाल लेते हैं। नाम डालने के बाद आपका आधार नंबर एज इट इज़ आपको डालना होगा। तो इसके बाद आपको रेसिडेंट टाइप पूछा जाएगा, आप इंडियन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट इंडियन हो। तो दोस्तों इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपके आधार कार्ड में आपको क्या अपडेट करना है। तो दोस्तों हमें हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, या आपको यदि इसके आगे भी आपको एड्रेस में अपडेट करना है या ईमेल आईडी आपको ऐड करना है या बायोमेट्रिक्स अपडेट करना है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपको टॉप साइड में एक मैसेज आएगा, आधार नंबर जो आपका आपने डाला है वो दिखाएगा और ये आप एडिट नहीं कर सकते एक बार प्रोसीड करने के बाद। मतलब यही आधार कार्ड नंबर लेकर आप इनरोलमेंट सेंटर में आपको जाना होगा। तो दोस्तों एक बार ठीक से चेक कर ले कि ये आधार नंबर सही डाला या नहीं, या बाद में ओके पर क्लिक करें। तो दोस्तों जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमें नई विंडो ओपन हो जाएगी, क्या आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है। तो दोस्तों वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे हम यहाँ पर मोबाइल नंबर हम डालते हैं तो हमें सेम एज इट इज़ कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालते ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा। वही ओटीपी आपको डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपको एक मैसेज शो करेगा कि आपका सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो पे आपका नाम और आपका आधार कार्ड नंबर और आपको जो मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो शो करेगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक नई विंडो में आपको लीगल इंस्ट्रक्शन वहाँ पर शो करेगी। इस लीगल इंस्ट्रक्शन के नीचे आपको सेव और एडिट ये दो ऑप्शन आपको आएंगे। तो हमें एडिट करना है आपके आधार कार्ड में या नंबर में कुछ गलत हो चुकी है तो आपको एडिट में ऑप्शन पर जाके आपको एडिट करना होगा, या आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड ये मैसेज शो करेगा और योर अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पर आपको दिखेगी। तो इसके बाद आप तो आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए ये अपॉइंटमेंट आईडी आपको इस अपॉइंटमेंट आईडी को नोट करके रखे। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते ही आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस विंडो में हम अपनी आधार अपडेट या इनरोलमेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनरोलमेंट सेंटर का नाम पता है तो सर्च बाय इनरोलमेंट सेंटर से सर्च करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आपके एरिया का पिन कोड डाल के आपके एरिया में जितने भी आधार सेंटर है उनकी लिस्ट आप सर्च बाय पिन कोड से करते तो आ जाएगी, इनरोलमेंट सेंटर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप किसी भी इनरोलमेंट सेंटर पर आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर स्लॉट के ऊपर भी कौन से इनरोलमेंट सेंटर के आपके एरिया में स्लॉट अवेलेबल है ये चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप स्लॉट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर पे दिखाएगा मतलब स्लॉट अवेलेबल है डेट पर, यहाँ पर डेट पर रेड कलर दिखा रहा है मतलब यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों आप दूसरा आधार सेंटर चूज़ करते हैं वहाँ पर सिलेक्ट एड्रेस पे वहाँ पर आपको आधार सेंटर की लिस्ट दिखाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर है मतलब स्लॉट अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने 23 का डेट सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको कौन से टाइम में स्लॉट अवेलेबल है ये भी आपको वहाँ पर शो करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जो रेड कलर में आपको डेट शो करे मतलब यहाँ पर आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरा इनरोलमेंट सेंटर या डेट चॉइस करनी होगी। तो मैं दूसरा इनरोलमेंट सेंटर चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए तो इस सेंटर में मुझे ग्रीन कलर में कौन से डेट अवेलेबल है वो मुझे शो कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी के साथ कौन से वक्त पे आपको टाइम अवेलेबल है ग्रीन कलर में शो करेंगे, मतलब यहाँ पर किसी
वक्त पर स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पर वक्त पर भी रेड कलर शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही टाइम अवेलेबल है और डेट भी अवेलेबल है इस इनरोलमेंट सेंटर पे। तो दोस्तों मैंने 22 डेट सेलेक्ट करके मैंने इनरोलमेंट का टाइम सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके साथ दोस्तों यार कंफर्म योर बुकिंग ये ऑप्शन यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर इनरोलमेंट सेंटर और आपने कौन सी डेट चॉइस की और टाइम ये आपको शो करेगा और यहाँ पर बता देगा कि आपको आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ₹50 फीस लगेगी। तो ये आप पे एट सेंटर पर जाकर पेड कर सकते। और दोस्तों आपका यहाँ पर आपने कौन से डेट में और टाइम पे अपने स्लॉट बुक किया यहाँ पर आपको शो करेगा। तो ये आपकी सब चीज़ सही है तो आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो आधार अपॉइंटमेंट है उसे कंफर्म कर लेना होगा। तो दोस्तों आप कंफर्म पर क्लिक करके आपकी अपॉइंटमेंट अब बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार अपॉइंटमेंट फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। उस पीडीएफ फॉर्म को आपको प्रिंटआउट लेके आपको उसी वक्त आधार इनरोलमेंट सेंटर में जाना होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपनी खुद की आधार अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।